नमस्कार मित्रों, शाटावार की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर, उसके निमित्त हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन का हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए, प्रोनाउन इज यूज्ड। यूज्ड का मतलब होता है बेटा काम में लेना। यूज्ड का मतलब क्या होता है? काम में लेना या उपयोग में लेना, उपयोग में लाना। तो प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन। अब देखिए कैसे करते हैं, इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो एक तरफ हमारा लिखा हुआ है नाउन और दूसरी तरफ हमारा लिखा हुआ प्रोनाउन। ये अब इधर हो गई हमारी संज्ञा और इधर हो गया हमारा सर्वनाम, यानी नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन, नाउन हमने पहले भी पढ़ा है, नाउन का मतलब नाम, किसी भी प्रकार का नाम हो वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो अब संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को कैसे प्रयुक्त करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, आइए देखिए। तो इधर देखिएगा सामने, रश्मि इज ए टीचर। रश्मि किसका नाम है? लड़की का नाम है, लड़की का नाम है ना, स्त्री है। तो देखिए इसका अंडरलाइन कर दीजिए पहले रश्मि। तो रश्मि क्या है? रश्मि नाम है और नाम ही क्या है? नाउन है। तो देखिए रश्मि, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, कोष्ठक में बंद कर दीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं ना डॉट करके। तो रश्मि इज ए टीचर, रश्मि इज ए टीचर। तो अब रश्मि एक अध्यापिका है, ठीक है, इज एक वचन के लिए लगाया जाता है, ये आपको जानकारी है। तो रश्मि इज ए टीचर। अब हमारे को तो केवल चेंज क्या करना है, नाउन के स्थान पर क्या लाना है? प्रोनाउन लाना है, प्रोनाउन लाना है, प्रोनाउन यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। अब देखिए, अब ध्यान कीजिए, रश्मि अगर लड़की का नाम है तो हमने अगर इसका नाउन का जब प्रोनाउन चेंज किया तो हमने क्या लिखा है? सी इज ए टीचर। तो हमने केवल परिवर्तन क्या किया? परिवर्तन नहीं किया केवल, बस ये देखो, ये नाउन का हमने क्या बना दिया? प्रोनाउन। नाउन का क्या बना दिया? प्रोनाउन। यानी लड़की के लिए क्या आता है? सी आता है। अगर यहां पर आ जाता राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, तो यहां पर क्या आ जाता? यहां पर ही आ जाता, तो वो आ जाता ही इज ए टीचर। आगे देखिएगा, द क्रो इज ए बर्ड, द क्रो इज ए बर्ड। कोआ एक पक्षी है, कोआ एक पक्षी है, तो हमारे लिए नाउन क्या हो गया? द क्रो। नाउन क्या हो गया हमारे लिए? द क्रो इज ए बर्ड। तो कोआ है, तो कोआ ही सी इट, हमारे को इंग में देख रहा है, ही सी इट। क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुरुष है, या फिर जानवर या अन्य वस्तुओं की श्रेणी में आता है? तो ये आता है जानवर की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आता है कोआ? जानवर की श्रेणी में आता है। तो जानवर की श्रेणी में आता, तो जानवर या अन्य वस्तुओं के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं हम। तो देखिए, द क्रो इज ए बर्ड, तो हमने यहां पर लगा दिया इट इज ए बर्ड, इट इज ए बर्ड। तो इस नाउन को हटा करके और यहां पर लिखते समय प्रोनाउन का हमने प्रयोग किया है। तो देखिए, द क्रो इज ए बर्ड, और हमने जब परिवर्तन किया तो ये बन गया इट इज ए बर्ड। अगला देखिएगा, डंकीज बहुवचन है, ध्यान करना, डी ओ एन के ई वाई एस, ये बहुवचन है ना। तो डंकीज हैव नो हॉर्न्स, डंकीज हैव नो हॉर्न्स, यानी गधे के सींग नहीं होते, होते हैं क्या? देखे आपने गधे के सींग,
नहीं होते गधे के सींग। तो donkeys have no horse, तो यहां पर नाउन क्या है, गधा है नाउन, क्या है, गधा है नाउन। अब नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन लिखेंगे तो यहां पर गधा एक है क्या, एक नहीं है, गधा बहुवचन है क्योंकि गधे है, तो यहां पर हमने भी लिखा है तो he, see, it, I, we, you, they, तो बहुवचन के लिए हमने क्या लगा दिया, दे लगा दिया, क्या लगा दिया, दे, तो ये प्रोनाउन हमने क्या चेंज कर दिया, दे, they, they have the horse, उनके सींग नहीं है, उनके सींग नहीं है। अगला देखिएगा, हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर, हर हस्बैंड, अब आपको पता ही है पूर्व कक्षाओं की जानकारी में आपने पढ़ा भी है, हिज किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, हर किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, ये आपको जानकारी में है, तो हम हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर, तो हर किसके लिए लगाएंगे, हर लगता है स्त्री जाति के लिए, किसके लिए लगता है, स्त्री के लिए, तो हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर, मान लीजिए यहां पर ये लड़की है, मान लीजिए अगर लड़की है और ये एरो इसकी तरफ ही जा रहा है और ये कह रहा है इसके जो पति है वो इंजीनियर है, इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता, मान लीजिए इसके पति अभियंता है, तो अगर ये पति है, सॉरी ये पति है और इधर कह रहा है कि ये जो है वो अभियंता है और ये इसके लड़की के पति है, तो ये क्या हो गए, पति है तो पति किस में आएगा, हिज में आएगा, घर में आएगा, हिज में आएगा, किस में आएगा, हिज, पुरुष के लिए क्या लगता है, हिज, स्त्री के लिए क्या लगता है, हर, तो अगर यहां पर हिज है तो ये पुरुष जाति के अंतर्गत आता है, किसके अंदर आता है, पुरुष जाति के अंतर्गत आता है, हर हस्बैंड, हस्बैंड कौन होता है, पति होता है, और पति कौन होता है, पति पुरुष होता है, तो यहां पर हमने लगा दिया ही, क्या लगा दिया, ही, तो ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है, यहां पर आ गया, हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर, उसके पति एक अभियंता है, वापस अगर प्रोनाउन में इसका चेंज किया हमने तो बन गया ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। अब देखिए एक्सरसाइज यानी अभ्यास, अभ्यास माला में देखिए, अब हमारे को इसमें क्या करना है, हमने पहले भी पढ़ा है नाउन के बारे में, हमारे को जानकारी पूर्व में है, पूर्व की कक्षाओं में भी है और पूर्व में अभी भी हमने पढ़ा है, तो पिकअप नाउन एंड प्रोनाउन, अब पिकअप का मतलब होता है उठाना, चूज करना, अब जो नीचे जो लिखे हुए हैं नाम जो लिखे हुए हैं नीचे, इसमें से हमारे को नाउन और प्रोनाउन छांटना है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करना है, छांटना है, तो देखिएगा नीचे लिखे हुए उनमें से देखो पहला क्या लिखा हुआ है, चेयर, ये तो आपको कन्फर्म है, नाउन यानी जो नाम है वो नाउन है, और प्रोनाउन के बारे में हमारे को भी जानकारी मिली, ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे, इनमें से अगर कोई शब्द है लिखा हुआ तो वो प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, और नाउन जो भी नाम है वो किसके अंतर्गत आएगा, नाउन के अंतर्गत आएगा, तो चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर चेयरमैन है, कुर्सी क्या है, कुर्सी क्या है, नाउन है, मी, मी यानी मुझे, he, she, it, I, we, you, they, me, ये भी किसके अंदर आ गया, ये भी आ गया प्रोनाउन के अंदर, किसके अंदर आ गया, ये प्रोनाउन के अंदर आ गया, ये प्रोनाउन है। अगला देखो सुधा, सुधा क्या है, लड़की का नाम है सुधा, सुधा लड़की का नाम है तो नाउन है, लेग, लेग मतलब टांग, नाम है तो नाउन के अंतर्गत आएगा, यू प्रोनाउन है, चिल्ड्रन बहुवचन है, चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है यानी बच्चे, ये भी क्या है, नाउन है, वाटर नाउन है, पानी नाम है ना। आगे देखिएगा आई, आई क्या, मैं, आई वी यू दे, ही सी इट, आई वी यू दे, ये भी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, मून नाम है, चंद्रमा क्या है, नाम है, तो किसके अंतर्गत आएगा, सर्वनाम आएगा, प्रोनाउन है, लेमन नाउन है, बियर नाउन है, टी नाउन है, लायन नाउन है, एलिफेंट नाउन है, और राजस्थान नाउन है, नाम जो भी होता है वो नाउन ही कहलाएगा, नेम इज नाउन, यही इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अगला देखिएगा, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लिखो, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लिखना,
अभी तो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं लेकिन काम आपको करना है, ठीक है? तो देखिएगा, अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड, अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड। अंकित किसका नाम है? अंकित लड़के का नाम है, तो लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है आपको जानकारी है? तो देखिएगा, अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो अब अंकित को नाउन से हटा करके प्रोनाउन में डालना है। तो अगर अंकित लड़का है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड, अंकित मेरा अच्छा मित्र है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा मित्र है, ये नाउन का प्रोनाउन चेंज हो गया। ये आपको करना है, मैं जानकारी दे रहा हूं केवल, ये आपको गृह कार्य में घर से करना है। अगला देखिएगा, दो नंबर पर, द एलिफेंट इज बाथिंग, द एलिफेंट इज बाथिंग, हाथी क्या कर रहा है? नहा रहा है। तो एलिफेंट जानवर या अन्य वस्तुओं की श्रेणी में आता है, तो द एलिफेंट के स्थान पर द एलिफेंट नाउन है, इसको हटा करके अपन इट लगा देंगे, इट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा इट इज बाथिंग, वह नहा रहा है, इट इज बाथिंग, वह नहा रहा है। अगला देखिएगा, हिज वाइफ वाज इल, हिज वाइफ वाज इल, यानी उसकी पत्नी बीमार है, तो पत्नी के लिए क्या लगाएंगे? पत्नी के लिए सी लगाएंगे, स्त्री जाति है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी वाज इल, सी वाज इल, हिज वाइफ हट जाएगा, ये नाउन हट जाएगा, या लग जाएगा सी वाज इल। अगला देखिए, ललिता इज माय यंगर सिस्टर, ललिता इज माय यंगर सिस्टर, यंगर का मतलब होता है छोटी बहन, और ललिता इज, ललिता कौन है? ललिता स्त्री जाति है, स्त्री जाति का बोध करवाती है, लड़की का नाम है, तो ललिता इज माय यंगर सिस्टर, तो इस ललिता को हटा करके यहां पर लिख देंगे सी इज माय यंगर सिस्टर, सी इज माय यंगर सिस्टर, वह मेरी छोटी बहन है। अगला देखो, अगला है बॉयज हेल्प, बॉयज हेल्प देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, देयर मैंने बताया था ना आपको, जानकारी दी थी ना नाउन प्रोनाउन जो पढ़ रहे थे, तो बॉयज हेल्प देयर पेरेंट्स, यानी लड़के है वो अपने माता पिता की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो बॉयज यहाँ पर बहुवचन है, बॉय नहीं है, बॉयज है, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के स्थान पर यहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे दे का, किसका प्रयोग करेंगे? दे का, तो ये क्या बन जाएगा? दे हेल्प देयर पेरेंट्स, वे अपने माता पिता की सहायता करते हैं। और यहां पर अगर बॉयज पढ़ा जाता है तो नाउन अगर पढ़ेंगे तो लड़के अपने माता पिता की सहायता करते हैं। अगला देखो, अगला है अंग्रेजी बनाओ, क्या है? अंग्रेजी बनाओ, मेरा देश, मेरा देश यानी माय कंट्री, आपको समझना है केवल, घर पे आपको बैठ करके वापस इसी वीडियो को देख करके अच्छी तरह से और फिर काम करना है, अभी समझना है केवल, मेरा देश माय कंट्री, कंट्री का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब होता है देश, माय का मतलब होता है मेरा, मेरा देश। दो नंबर पे देखिएगा, हमारी किताबें, हमारी किताबें, तो क्या है? बहुवचन है, तो आवर बुक्स एस लगेगा, बहुवचन है। तीसरा है तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा घोड़ा, तो क्या बन जाएगा? योर हॉर्स, योर हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा। उनके माता पिता, उनके माता पिता मतलब देयर, सॉरी देयर, TH E I R, देयर, देयर यानी उनके माता पिता। अगला देखिएगा, हमारे आचार्य, आचार्य मतलब टीचर, तो आवर टीचर्स, हमारे आचार्य, आवर टीचर्स। अगला है अंतिम, हिंदी बनाओ, क्या है? हिंदी बनाओ, तो हिज आंसर मन उसका उत्तर। अगला देखो, योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता, तुम्हारा छाता। तीसरा, देयर वर्ड्स, देयर वर्ड्स यानी उनके शब्द। अगला है माई हैंड, मैं कहता हूं अगर माई हैंड मन मेरा हाथ, ठीक है। अगला देखो, आवर मदरलैंड, यहां से ध्यान से देखना, मदरलैंड यानी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, आवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, आवर का मतलब हमारा, तो आवर यानी हमारी मातृभूमि, हम सब मिलकर के कहते हैं ना हमारी मातृभूमि। तो देखिएगा, आज हमने प्रोनाउन की जानकारी ली, नाउन हमने पहले भी पढ़ लिया है,
और एक बार डेफिनेशन वापस देख लीजिए, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये जो आज आपको काम दिया है, ये आपको अच्छी तरह से सुंदर हस्तलेख में घर से कर करके लाना है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता तो मोबाइल पे आप वापस फोन करके पूछ सकते हैं, और विद्यालय में भी आकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अध्यापक आपको विद्यालय में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।